इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर हमने इसका प्लग इन किया है तो ये फ्रंट के ऊपर से इसकी चार्जिंग की लाइट या पावर वाली कोई भी लाइट इसकी ब्लिंक नहीं कर रही या ऑन नहीं हो रही, तो ये पावर वाला बटन हम पुश करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन, अभी किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना वो ऑन नहीं हो रही, तो ये इशू आ रहा है इसको। तो चले चेक करते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये एचपी का लैपटॉप है, प्रोबुक है 640G1। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर हमने इसका प्लग इन किया है तो ये फ्रंट के ऊपर से इसकी चार्जिंग की लाइट या पावर वाली कोई भी लाइट इसकी ब्लिंक नहीं कर रही या ऑन नहीं हो रही, तो ये पावर वाला बटन हम पुश करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन, अभी किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना वो ऑन नहीं हो रही, तो ये इशू आ रहा है इसको। तो चले चेक करते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है और कौन से वाले एरिया में प्रॉब्लम है। तो ये कंप्लीट इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, तो ये स्क्रू वगैरह इसको ओपन कर लेंगे कंप्लीट, और ये बैक कवर जो है ना इसका, बिस्मिल्लाह की बरकत है। ये डीकोर इसका ओपन हो गया, ठीक है। इसकी ये बैटरी जो है ना ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी बैटरी इसकी निकल गई है, ठीक है। तो अभी इसको चार्जर लगा के तो चेक कर लेंगे, ठीक है। चार्जर लगा के इसको ऑन कर लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाह, अच्छी चार्जर लगाया इसको, तो उसी तरह डेड कंडीशन है फिलहाल बिल्कुल ही, ठीक है। चलें इसको ओपन कर लेंगे। अब ये सीमोस है इसका लगा हुआ, ठीक है। ये सीमोस हम उतार लेंगे इसका, ठीक है। अभी इसको दोबारा से ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह, सेम कंडीशन है, ठीक है। चलिए कंप्लीट ओपन करके इसको तो मदरबोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, नीचे बोर्ड आ गया बाहर इसका। तो ये बोर्ड अब निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। और फिर ये वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे, 3-5 वोल्ट वगैरह वगैरह ये वो चीज़ें, ठीक है। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये बोर्ड बाहर निकाला है। तो ये चार्जर हमने इसका प्लग इन किया है तो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है ना वो हम चेक कर लेंगे। ये 19 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है। ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। ये वोल्ट नहीं आ रहे इसके, ना 3 वोल्ट आ रहे हैं और ना 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 3 और 5 वोल्ट इसके बंद हैं, तो इसका मतलब है कि पीछे से सप्लाई जो है ना इसकी शॉर्ट है। तो ये सप्लाई इसकी चेक कर लेंगे, पीएफ वगैरह या इसका ट्रांसफर वगैरह चेक कर लेंगे क्या चीज़ इसकी ख़राब है। बिस्मिल्लाह ने जी ये ओपन किए हैं इसके पीएफ, ठीक है। तो इसका जो पीएफ ख़राब निकला है वो इस साइड से निकला है, प्रोसेसर वाले एरिया में, ठीक है।
ये वाला एक साइड से जो पीएफ है ना, ये हरात निकले, ये पीएफ पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो बाकी पीएफ वगैरह इसके लगाएंगे, और ये जो पीएफ ख़राब है वो भी लगाएंगे, तो इसको इंशाल्लाह फिर ऑन करके चेक करते हैं। इसमें लें जी, ये पीएफ लगाया इसको, ठीक है, ये पुराने वाला पीएफ इसका पड़ा हुआ है, तो अब इसको ऑन करके चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है, चेक किया इसके, ठीक है, ऑन हो गया ये। तो अब इसको ज़रा पैक करके हीट सिंक वगैरह लगा के इसको, तो डिस्प्ले वगैरह इसका चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ले जी, ऑन हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्ले भी इसका आ गया, ठीक है। तो अब इसको जो है ना टोटल कर लेंगे पैक, टोटल पैक करके तो फिर इसका इंशाल्लाह जो है ना विंडो वगैरह रन करते हैं। बिस्मिल्लाह ले जी, ये कंप्लीट पैक की है, तो इसकी विंडो वगैरह भी इसकी रन हो रही है कंप्लीट, बिल्कुल ओके हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।